हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे गेट रुपी इजी लोन ऐप के बारे में। गेट रुपी एप्लीकेशन के अंदर आप लोग लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा गेट रुपी ऐप के बारे में। ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, क्या सच में हम इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सो वीडियो को फुल वॉच करना है एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ सीधी बात में, आप लोग को गेट रुपी एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें ये एप्लीकेशन लोन देगा या नहीं देगा, क्या हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं करने वाला है। चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर गेट रुपी एप्लीकेशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी में आपको सच्चाई में आपको इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू लास्ट में बताऊंगा। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं भी मिस मत करना है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, मैं एप्लीकेशन के बारे में सच्चाई बताता हूँ फिर भी उस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं बहुत लोग, तो यही गलती बहुत लोग करते हैं, बट आप ना करें ऐसी गलती। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गेट रुपी एप्लीकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए और लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओपन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे गेट रुपी एप्लीकेशन को मैंने अपने मोबाइल के अंदर ओपन कर लिया है एंड करने को हम यहाँ परमिशन एप्लीकेशन है, ये पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ लेना है। जैसे आप सब यहाँ पे देख रहे हो सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे बताई गई, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो जैसे आप सब यहाँ पे देख रहे हो। फिर एग्री वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड गेट रुपी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को अवेलेबल क्रेडिट की बात करो तो टोटल अमाउंट 90,000 है और यहाँ पे स्पेंड 0 है। यहाँ पे अप्लाई ना वाले बटन को क्लिक करके आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पे लोन का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप देखो यहाँ पे देख रहे हो गो एंड कलेक्ट द क्रेडिट लाइन, ठीक। फिर वहाँ पर लिखा हुआ है माय लोन्स का ऑप्शन, यहाँ पे उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे गो टू अप्लाई फॉर लोन ए लोन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर कर लेना, ठीक है ना। तो फटाफट हम क्या करते हैं अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है एंड डालने के बाद यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट शेयर द कोड विद उधर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कोड वगैरह डाल देना है, आपको यहाँ पे एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक अच्छा सा यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ और आपको भी यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, होम वाले सेक्शन पर आना है और यहाँ पर व्यू माई क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। व्यू यूजिंग दिस ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड अलाउ करना है, वापस अलाउ करना है, जितना बार भी आपसे अलाउ मांग रहा है ना उतना बार आपको अलाउ कर लेना एंड करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से लोडिंग होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग को लिमिट है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आपकी यहाँ पे आप क्या हो, यहाँ पे स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी हो आपको यहाँ पे डाल देना। तो हम स्टूडेंट है, कंफर्म कर देना है एंड यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है कि एजुकेशन आपने कौन से कहाँ तक पढ़ाई की है, तो हमने यहाँ पे हमारा यहाँ पे चल रहा है अभी हाई स्कूल, ठीक है ना। तो हम हाई स्कूल यहाँ पर डाल देंगे एंड कंफर्म कर देंगे। अब पूछ रहा सैलरी आपकी महीने की सैलरी कितनी है, तो अब उतना आपको यहाँ पे सैलरी भी डाल देनी है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं सैलरी भी डाल देता हूँ और यहाँ पे लिखा है टाइप फॉर रेजिडेंस, ठीक है ना। आप कौन से कंट्री से हो, जो भी आपका यहाँ पे ओनर हाउस है, जो भी आप लोग को यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर रेंट पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग को यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपको डाल देना है अपना, ठीक है ना, जो भी आपका नंबर है। फिर इमरजेंसी एक और नंबर डालना है, फिर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप का किसी का नंबर डालना है, जैसे सन ऑफ टुगेदर फ्रेंड का भी डाल सकते हो, फादर मदर का भी, ब्रदर एंड सिस्टर का भी डाल सकते हो। चलिए मैं फादर एंड मदर का डालूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर 2 द्वारा डालना है यहाँ पे, फिर वापस मोबाइल नंबर डाल देना है किसी का, फिर रिलेशनशिप में किसी का मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट स्टेप वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को 11,250 रुपये का लोन अमाउंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ये वाला स्टेप कंप्लीट करते तो 22,500 का लोन अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे तीसरा स्टेप फिल करते हो तो 45,000 पहुँच जाएगा और जैसे लास्ट स्टेप फिल करते हो तो 90,000 रुपये तक का आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग लोन सिंपल से आप लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, यूजर इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर कार्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है, क्या सच में हमें यहाँ पे इसके अंदर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें लोन देगा, तो उसके ऊपर कुछ करना नहीं। आपको यहाँ पर सेव और रिलीज वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको रिटर्न वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड पॉजिटिव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुड, मेरा लोन
एकदम हो गया, ठीक है। तो अला वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा 7 डेज लोन आर सिडली प्रो, यहाँ पर जो भी लिखा है ना भाई, लिखा हुआ है यहाँ पे गुड सुपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, अभी भी इस एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छी खासी रेटिंग मिली है और मुझे नहीं लगता कि एप्लीकेशन लोन देती है या नहीं देती है भाई, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ। और इस एप्लीकेशन के अंदर तो मैं एकदम बिल्कुल ही कन्फर्म हूँ कि हमें ये एप्लीकेशन लोन देगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, अपने ऊपर है। मैं आपसे ये नहीं गारंटी ले रहा हूँ कि भाई ये एप्लीकेशन लोन देगा, ठीक है ना, ये गारंटी मेरी नहीं है। बट मेरे हिसाब से कि लोन ना लो तो अच्छा है, आप लोग के लिए बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि भाई एप्लीकेशन मुझे थोड़ी मोड़ी कहीं से भी फ्रॉड लग रही है कि हमें ये लोन देगा या नहीं देगा, भाई हमारा पैसा तो नहीं ले लेगा, ठीक है ना। इतना तो किसी एप्लीकेशन के ऊपर डर बना रहता, ठीक है ना। तो मेरी उम्मीद से मान लो भाई एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई मत करना, ओके। चलिए, आपको